केंद्र सरकार इस मूड में थी कि दिल्ली आ रहे किसानों को गिरफ्तार करके उठा के दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में बदल के किसानों को वहां डाल दिया जाए और उसके बाद किसान वहीं पड़े रहें, जेल की चार दीवारी में, स्टेडियम की चार दीवारी में जेल में पड़ जाएं, वही उनके लिए काला पानी हो जाए कि भैया अगर MSP मिलनी है, अगर किसान कहीं और भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, तो वो जगह तो बता दो, बेचे कहाँ जाके जहाँ किसान को बड़े दाम पे MSP के दाम पे रेट मिल रहा हो। जब आपने सारे बिलों के जरिए व्यवस्था ही खत्म कर दी तो किसान बेचेगा कहाँ पे? और जिन लोगों को सुनाने के लिए, जिन बहरी गूंगी सरकार को सुनाने के लिए आप ये तपस्या कर रहे हैं, वो सरकार के कानों में वो बात पहुंचे। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही देश के लोग हैं, इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब आज किसानों को कहा जा रहा आतंकवादी है, किसानों को कहा जा रहा राष्ट्रद्रोही है। अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राष्ट्रद्रोही हो गए तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, तुमको रोटी कौन देगा उसके बाद? अब ये तीनों कानून लेके आए हैं, इन तीनों कानूनों के जरिए अभी इनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। किसान के पास खेती के अलावा तो कुछ होता नहीं है, उनकी खेती भी छीनना चाहते हैं, उनकी खेती भी उठा के बड़े बड़े दो चार इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको देना चाहते हैं। सोच के देखो, इतनी ठंड में अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को लेके जितने किसान बैठे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठे हैं, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई बन गई है। जब खेती भी चली जाएगी और खेती पे बड़े बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए इन्होंने मैदान में। अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। तो फायदा एक भी नहीं बता पा रहे ये लोग किसानों को, फायदा केवल और केवल पूंजीपतियों को है केवल। तो आज पूरा देश दो भागों में बटा हुआ है, एक वो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं करोड़ों किसानों का नुकसान करके, एक वो लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं। और चार पांच पूंजीपतियों को नुकसान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर करोड़ों किसानों का फायदा हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है। तो मैं आज चैलेंज करता हूं, एक बारी दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा, कि इनके जितने जो भी इनके सबसे बड़े मंत्री हैं, जिसको सबसे ज्यादा इसकी जानकारी है, वो आ जाएं और हमारे किसान नेता आ जाएं और पूरे देश के सामने आमने सामने डिबेट हो जाए, पूरे देश को पता चल जाएगा ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं। केंद्र सरकार और किसानों की शहादत ना करवाए, 40 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और अब इनकी आर पार की लड़ाई है। जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, MSP की गारंटी दे, उसके लिए कानून लेके आए और अब किसानों का संघर्ष खत्म करवाए।